ये ओडिशा की पुरी रेलवे स्टेशन का नजारा है। पुरी से भुवनेश्वर ट्रेन से 1.5 घंटे का रास्ता है। ये ट्रेन रूट काफी प्यारा है, चारों तरफ का नजारा काफी आनंददायक है। दिन में पुरी से भुवनेश्वर की तरफ काफी सारे ट्रेनें चलती है। आज मैं पुरी से भुवनेश्वर तक सुबह 8 बजे खुलने वाली कटक मेमू पैसेंजर से ट्रेवल करने वाला हूँ। भुवन दुकान पे भरपेट खा लिया, बहुत मजा आया खाने में। कल रात जो खाया था बहुत ही घटिया खाना था, पूरा खा नहीं पाया, बहुत जोर की भूख लगी थी। चलो बहुत अच्छा खा लिया, अब जा रहे हैं भुवनेश्वर की तरफ। भुवनेश्वर से मेरी ट्रेन है चेन्नई तक, चलिए सफ़र शुरू करते हैं यहाँ से भुवनेश्वर। अभी मैं तो एक मेमू में बैठा हुआ। मेरी ट्रेन पुरी रेलवे स्टेशन से खुल चुकी है। पुरी और भुवनेश्वर के बीच 12 रेलवे स्टेशन है और मेमू पैसेंजर होने के नाते ये ट्रेन उन सभी 12 स्टेशनों में रुकने वाली है। ये ऑल स्टॉप मेमू पैसेंजर भुवनेश्वर पहुंचने में 1 घंटा 40 मिनट लगाती है। पुरी छोड़ते ही रेल पटरी के दोनों तरफ बढ़िया नजारा देखने को मिलता है और जितना खुर्दा रोड की तरफ आगे बढ़ते हैं चारों ओर का प्राकृतिक सौंदर्य उतना ही बढ़ता हुआ जाता है। चलिए लेते हैं इस 1 घंटा 40 मिनट के सफर में मिलने वाले नजारों का आनंद। বৃষ্টি ছড়া নদী বয়ে চলে যায়, স্বপ্ন আসে কোটি কোটি পায়, আলোকা স্রোতের পিছু টান, বুনব জল ছন্দ তার। বৃষ্টি ছড়া নদী বয়ে চলে যায়, স্বপ্ন আসে কোটি কোটি পায়, আলোকা স্রোতের পিছু টান, বুনব জল ছন্দ তার। বুঝে কিছু কথা ভেবে যায় না, বলে কাছে পেতে চায়, বুঝে কিছু ভালোবাসা যতাই বেঁচে থাকি ভালোবাসায়। তোর আদরের টানে আর ঘুম ভাঙানোর গানে আমি হয়ে যাই তোর মেঘ পিয়ন। তোর আদরের টানে আর ঘুম ভাঙানোর গানে আমি হয়ে যাই তোর মেঘ পিয়ন। বুঝি কিছু ভালোবাসা যতাই বেঁচে থাকি ভালোবাসা।